अमृत महोत्सव के तहत गांडे प्रखंड के दासडीह पंचायत स्थित भुगतिया लोहारी गांव के मध्य विद्यालय परिसर में शुक्रवार की रात भारतीय स्टेट बैंक की ओर से रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में बतौर मुख्य अतिथि गांडे विधायक सरफराज अहमद समेत अन्य अतिथियों के कार्यक्रम में पहुंचने पर स्थानीय महिलाओं ने पारंपरिक रूप से सबों का स्वागत किया। वहीं स्टेट बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अतिथियों को फूलमाला और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। इस मौके पर गांडे विधायक सरफराज अहमद ने कहा कि सरकार के द्वारा संचालित अधिकतर जन कल्याण योजनाएं बैंक के द्वारा ही संचालित होती है। गांव घरों की ग्राहक जानकारी के अभाव के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इस चौपाल के जरिए से ग्रामीण बैंक के कामकाज को समझने में लाभ मिलेगा। वहीं प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, देश के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्र का विकास जरूरी है। उक्त चौपाल के माध्यम से बैंक की योजनाओं को समझकर ग्रामीण अपना विकास करेंगे। बैंक के झारखंड के महाप्रबंधक मृगांक जैन ने रात्रि चौपाल में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय स्टेट बैंक एक अग्रणी बैंक है। वर्तमान समय में झारखंड प्रदेश में 568 शाखाएं हैं, लगभग 2300 ग्राहक सेवा केंद्र हैं। इन शाखाओं के खुलने से बैंक डिजिटलीकरण की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इन सभी के बीच भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों से बातचीत नहीं कर पा रहा है। ग्राहकों की समस्याओं को समझने के लिए रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया है। इस दौरान कई गणमान्य जनप्रतिनिधियों ने भी अपना विचार व्यक्त किए। चौपाल में प्रखंड के विभिन्न गांव के लगभग 101 किसानों के बीच केसीसी के ऋण का वितरण किया गया। कार्यक्रम में देर रात तक महाप्रबंधक ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते रहे। कार्यक्रम में एसबीआई के कई पदाधिकारी समेत कई जनप्रतिनिधि, समाजसेवी एवं सैकड़ों की संख्या में लाभुक उपस्थित थे। मैं कहूँगा बहुत अच्छा एक कैंप लगा है और इस जगह पे 3-4-5 पंचायत के लोग यहाँ जुटे हैं। टीम से आप खुद चल कर आए हैं और उनके वरिष्ठ अधिकारी लोग सब यहाँ आए हैं। डायरेक्ट पब्लिक से इनका इंटरेक्शन हुआ कि बैंक में किस तरह की दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ती है, क्या उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, मैनेजर की दिक्कत है या अधिकारी को दिक्कत है या उनका लोन सैंक्शन हो गया है या उनको दौड़ना पड़ रहा, इन सब चीज़ों को गहराई से जानने के लिए ये कैंप स्टेट बैंक का लगाया गया है। और ये यहाँ पर जितने देर तक लोग रहेंगे बातचीत करेंगे, ये लोग हटेगा नहीं बातचीत करेंगे। देखिए, आज का जो आयोजन है इसका मुख्यतः एक ही प्रयोजन है, वो ये है कि जैसा आप सभी जानते हैं भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे अग्रणी बैंक है। सबसे ज़्यादा शाखाएँ हमारी 22,000 से ज़्यादा शाखाएँ, एक तिहाई देश की जनसंख्या स्टेट बैंक के साथ डील करती है। उसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो ग्राहक सेवा केंद्र, कस्टमर सर्विस पॉइंट्स होते हैं, जो हमारी शाखाओं से भी 3 गुना आते हैं। अगर हम झारखंड राज्य की बात करें तो यहाँ पर 568 हमारी शाखाएं हैं स्टेट बैंक की, लेकिन उसके साथ ही 2,300 से अधिक ग्राहक सेवा केंद्र ATMs हैं। उन सबसे जहाँ तक ग्रामीणों को सहूलियत हुई है बैंकिंग सेवाएँ पाने के लिए, वो तो हमने बहुत समय से देखा ही था, लेकिन कुछ समय से हमें ये लगा कि इतना सारा टेक्निकल चीज़ें आने की वजह से हमारा जो एक 1-to-1 कॉन्टैक्ट होता है जो ग्रामीणों के साथ, वो थोड़ा थोड़ा सा कम होता जा रहा है। ज़्यादातर जो रिक्वायरमेंट्स हैं ग्रामीणों की, वो अपनी कस्टमर सर्विस पॉइंट पर चले जाते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र पर, वहाँ से पूरी कर लेते हैं। लेकिन उनको जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ बैंक में आके ही पूरी होती है, और चूँकि उसमें थोड़ी कमी आ रही थी इसलिए हमने सोचा कि एक शुरुआत की जाए कि हम लोग खुद गाँव में जाएँ और देर तक यहाँ पर रुकें।